ओफो चाचू, आपकी चोटियों ने अब बंदूक निजी की जीप को खींच लिया। बहादुर जीप ने पकड़। और जीप नहीं, जीप जीप। वो आखिर इन चोटियों से पीछा छूटा। चाचे, थारे लंबे बालों की हेयर स्टाइल की वजह से वो जोगावर मेरी लात से बच गया। अगर संभाल ना सके है तो इतने बाल उगाए ही क्यों? ओए बंदूकनी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये एक बहुत लंबी दर्द भरी कहानी है। और लंबी कहानी सुनने का टाइम ना से हमारे पास। अब यो बता कि जोगावर ने पकड़ू कैसे? वो पुलिस स्टेशन से एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर भाग गया से। बंदूकनी जी, इन चोटियों की वजह से जोगावर भाग निकला ना, अब यही चोटियां हमें जोगावर को पकड़ने में मदद करेंगी। अब वो कैसे? इन चोटियों को फूलों से बड़ा लगाव है। अब मुझे पता है कि इन चोटियों को कैसे कंट्रोल करना है। ओहो, चाचा की चोटी, चल दिखा दे कमाल। यो भतीजा ऊपर जाकर कर के रास है। पर वो तो खाई के उस पार पहुंच गया। ओए खाई के उस पार? ओ देखो जी, अगर हम सीधे रास्ते से गए तो खाई के उस पार पहुंचने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक तो जोगावर भाग जाएगा। आइडिया, हम रास्ते से जाएंगे ही नहीं। यही सही मौका है, जल्दी से चोटी के सारे खाई के उस पार चलते हैं, इससे पहले कि चोटी पेड़ की शाखा से निकल जाए। वही वो भतीजे, वही क्या दिमाग लगाया है? मैडम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, इसलिए सबसे पहले तू ही जाएगा। अब चाचू को यहाँ किस बात की? मनमौजी तक पहुँचना आसान नहीं, जरा तूफान के मजे तो लो। मनमौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। यो तूफान मेरा हेयर स्टाइल खराब कर रहा है। आइडिया, बंदूकनी जी, बहादुर अंकल, चाचू, मुझे अपने बेल्ट दीजिए, जल्दी। ओए लगता है भतीजे ने आगे बढ़ने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। आखिर भतीजा किसका है? दोस्त, ये तो तूफान से बच निकले। पर गर्मी से बच नहीं पाएंगे। ओ मैडम जी, गर्मी से तो आपका मेकअप बिगड़ रहा है। और मेरे बाल खराब हो गए। यो काफी नहीं था कि तूने मेरा मेकअप भी खराब कर दिया। वाह बंदूकनी जी, आपकी लात अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है, और आज आपकी लात ने हमें बेहोश होने से बचा लिया। अब ऐसी ही लात इस दरवाजे पर भी मार दीजिए। बस ये लोग तो यहाँ तक तो पहुँच गए, पर इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मनमौजी का वादा है। मनमौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। ये लोग तो स्नो डांस कर रहे हैं।
बस म्यूजिक की कमी है। वाह, इस बात पर एक फोटो तो बनती है। स्माइल पेस्ट। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, फिर हम नहीं गिरेंगे। लगता है तुम्हें मेरे सुपर कोल्ड इफेक्ट का एक तोहफा देना ही होगा। इतनी ठंड, ऐसे तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। अब ये बर्फ के पुतले मेरी लैब की शोभा बढ़ाएंगे। देखा बटुक, मनमौजी को कोई नहीं रोक सकता। पंटोश नगर की तरह अब मैं पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ा दूंगा। असे, बहादुर जल्दी से रस्सी ला। ओए, मैं सिर्फ गोल गोल घूम रहा हूँ, जमीन से अलग नहीं हो रहा। समझ गया, लगता है जमीन के नीचे कोई लोहे की खान है, और क्योंकि चाचू मैग्नेट मैन बन गए हैं, इसलिए वो इस जगह पर चिपक गए हैं। ओह, याद आया, सदियों पहले फंटूश नगर में लोहे की खान हुआ करती थी, पर इतने सालों में उसका अता पता गायब हो गया। आज चाचा ने उस लोहे की खान को फिर ढूंढ निकाला है। अगर हमें यह लोहा मिल जाए तो फंटूश नगर के विकास में काम आएगा। आइडिया, अब मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। बहादुर अंकल, मेरे साथ आइए। मैं बच गया। रब्बा भतीजे, तूने तो एक तीर से दो शिकार कर लिए, चाचे को भी छुड़ा लिया और गड़ा हुआ लोहा भी बाहर निकाल लिया। चीचे, चाचा के शरीर पर चिपका हुआ लोहा अगर हम चुरा ले तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो चल, पूरे के पूरे चाचा को ही चुरा लेते हैं। ये दोनों फिर से आ गए। नहीं, ओए भतीजे, अब मुझे फिर से इनके साथ फंटूश नगर की सैर पर नहीं जाना। ओए, मुझे बचा ले। अरे, ये तो बलवंत के साथ भाग गए। भतीजे, कुछ कर। मुझे अंकल, ये आपके गले में चाबी किसकी है? अरे हाँ भतीजे, ये किस चीज की चाबी है? अरे अरे वाह भतीजे, ये तो उसी मैग्नेट बैंड की चाबी है। रखो जी, चाबी सारे वक्त तेरे पास ही थी और तेरी वजह से हम यहाँ पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे। फायदा है ना। बंदूकनी जी, दिखा दीजिए अपनी लात का कमाल और इस ड्रम को ऐसी लात मारिए कि वो सीधे चाचू तक पहुँचे। और लात की बात हो तो बंदूक तो इनको के कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई नहीं बच सकता। ओहो, बंदूकनी जी का गुस्सा क्या गायब हुआ, जैसे चोरों की तो निकल पड़ी। फिलहाल मुझे ही कुछ करना होगा। आइडिया, डंका ढोलकी अंकल, अब से पूरा फंटूश नगर तुमसे डरेगा। अब मिमिक्री अंकल, इनके लिए वो स्पेशल वाला पराठा लाइए। आओ डंका अंकल, यहाँ बैठो। आज तो भतीजे ने भी मान लिया कि सारा फंटूश नगर डंका ढोलकी से डरता है। ढोलकी, मैं इस कुर्सी पर चिपक गया हूँ, निकालो इसे। ये भतीजा क्या कर रहा है? मैडम जी, आपके राज में यह गलत हो रहा है।
आप पुलिस हो और पुलिस का काम है जनता की रक्षा करना। बचाओ हमें, बचाओ। अरे बच्चा है, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही। ढोलकी बचाओ। मैडम जी, वो जीप चुरा ले गया। रल्ले जाने दे, एक जीप जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। बस बहुत हो गया, इससे तो अच्छी मेरी पुरानी गुस्से वाली मैडम जी थी। हमें बंदूकी जी को जल्दी वापस अपने पुराने गुस्से वाले रूप में लाना होगा, वरना फंटूश नगर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वही बंदूकनी जी, क्या आपको याद है कि आप मेडल हार गई? ये बात सोचकर आपको गुस्सा नहीं आता? हार जीत तो लगी रहती है चाचे, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ला 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 ला। बंदूकनी जी, याद कीजिए, आपकी लात की चर्चा पूरे फंटूश नगर में फेमस है। ला 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 ला। आइडिया, सिर्फ एक चोबी के पास डोंकी होगा। बाबा और चेला फिर से शुरू हो गए, पर भतीजे के रहते चाचू को कुछ नहीं हो सकता। अरे भतीजा, क्या ये कैसा आना हुआ? अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, अरे मार ही डाला बेटा। वाले के नाम पे दे दे, तुम एक रुपया दोगे? चिचे, हमेशा गलत वक्त पर भिखारी बन जाता है। मेरा शक सही था, ये ढोंगी बाबा और चेला असल में डंका और ढोल की हैं। हेलो बंदूकनी जी, वो अपना रामू धोबी है ना, उसके घर आ जाइए जल्दी। सुनिए, क्या आपका डोंकी चाचा को एक लात मारेगा? बाबा, चेला, आप डोंकी के पीछे खड़े रहिए और चाचू, आप डोंकी के आगे, ताकि डोंकी को पता हो कि उसे किसे लात मारनी है। इन बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि डोंकी अपने आगे के नहीं बल्कि पीछे के पैरों से लात मारता है। अरे हमारे प्यारे ढेंचू, एक तो दुलकती तो मार दीजिए। मार दे, मार दे, ढेंचू, मार दे। चिंचे, लगता है लात मारने वाला है। चाचा, तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, ये रहा वो एंटीडोट जिससे तुम फिर से ठीक हो जाओगे। अगर अगले 2 घंटे के अंदर एंटीडोट नहीं लिया तो ये जिंदगी भर गधा बना रहेगा। चिंचे, खोजी का एंटीडोट हमारा प्लान फेल कर देगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओए बाबा, ओए चेला, ओए रुको। ये कोई बाबा चेला नहीं, ये दोनों डंका और ढोलकी है। रे भतीजे, मन्ने इन दोनों की धुलाई करनी सके? हाँ बंदूकनी जी। रुक जाओ, अगर किसी ने भी हमारा पीछा करने की कोशिश की तो मैं ये एंटीडोट की बोतल फोड़ दूंगा और फिर ये चाचा जिंदगी भर डोंकी बना रहेगा। अब हम क्या करेंगे? हे, ये मुझे किसकी बातें सुनाई दे रही है, जबकि यहाँ तो सबकी बोलती बंद है। कोई नहीं क्या?